तो होश में रहना होगा, अपने ऊपर जंग को नहीं लगने देना होगा। आपके ऊपर जंग लग रही है, ये जंग जिसके ऊपर भी लग जाएगी उसका मूल अस्तित्व ढक जाएगा। लोहे पे जंग लग जाएगी उसकी चमक चली जाएगी, चांदी पे चमक चांदी की चमक चली जाएगी। आपके ऊपर भी जंग लग गई, आपकी मूल प्रकृति ढक गई। आपको सतत प्रयास करना होगा कि आपके ऊपर वो जंग ना लगे, आपको प्रतिदिन उसे हटाना होगा और अपनी चमक को बनाए रखना होगा। मैं उदाहरण देता हूं, बड़ा सामान्य रावण, सभी ने उसका नाम सुना होगा, सैकड़ों बार सुना होगा, हजारों बार सुना होगा। रावण वो व्यक्ति जिसको मारने के लिए स्वयं ईश्वर को आना पड़ा, जिसने इतना तप किया कि सर्वश्रेष्ठ शिव ब्रह्म से वरदान प्राप्त किए। आखिर इतना प्राप्त करने के बाद फिर क्या किया उसने, फिर क्यों गड़बड़ कर दिया सारा? क्योंकि उसने अपने ऊपर जंग लग जाने दी, वो बेहोश हो गया, वो होश में नहीं था। और जैसे ही वो बेहोश हुआ, जैसे ही उसने अपना होश खो दिया, उसमें जंग लगने लगी। और इतनी जंग लग गई कि जो व्यक्ति एक बार प्रभु शिव को प्राप्त कर चुका हो वो दोबारा उनको प्राप्त नहीं कर पाए, दोबारा उनको नहीं छू पाया, दोबारा उनको नहीं जान पाया। उसने कहा कि तामस तन अब कछु साधन नहीं, यानी अब जो शरीर है वो तामसी हो गया है, आलसी हो गया है, जंग लग गई है, बेहोश हो गया है, अब कुछ साधन नहीं है। अब एक ही साधन है मुक्ति का कि ईश्वर स्वतः ही मेरा पद करे। आप अपने ऊपर जंग लगा रहे हो, जंग को हटाना होगा, चमक को लाना होगा, होश में जीना होगा। आप जितना होश में जिएंगे उतनी चैतन्यता होगी, जितना आप चैतन्य होंगे उतना ऊर्जित होंगे, जितना ऊर्जित होंगे उतना आत्मा के करीब होंगे, और जितना आत्मा के करीब होंगे उतना परमात्मा के समीप होंगे। होश में जीना है। होश क्या है? महावीर कहते हैं होश में जीना ही ईश्वर को पाना है। बहुत छोटा सा वाक्य, जरा विचार करिए, होश में जीना। क्या होश में नहीं जी रहे? हम तो चल रहे हैं, हम तो उठ रहे हैं, हम तो बैठ रहे हैं, हम तो आ रहे हैं जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम तो होश में है नहीं। अगर होश में है तो ये बेहोशी ऐसी बातें क्यों करते हैं? जो आपका नहीं है उसको आप लूटना चाहते हैं, जो किसी और का है उस पर आप अधिकार करना चाहते हैं, बेईमानी लूट धन पन सब क्या होश की निशानी? आप पढ़ लिख के कहीं भी पहुंच जाए, ये होश पढ़ने से नहीं आएगा, ये होश किसी को सुनकर नहीं आएगा, ये होश किताबों के अंबार पढ़ लेने से नहीं आएगा, ये होश आएगा आत्मिक चेतना के जागरण से।
अभी महावीर ने कहा होश में रहना ही ईश्वर को जानना है, कोई होश में नहीं है, गृहस्थ नहीं है तो नहीं है, बाबा बैरागी भी नहीं है, वो भी चिलम लगा रहे थे, वो भी बेहोश हो जाना चाहते हैं, वो बेहोशी में उसको पाना चाहते हैं, कोई बेहोशी में उसको पा पाया, वो तो होश से मिलेगा। कृष्ण कहते हैं ज्ञान से मिलेगा, जिसको होश होगा उसी को ज्ञान होगा, और जब आप बेहोश होंगे तो ज्ञान नहीं हो सकता, बेहोशी व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता। ज्ञान से मिलेगा, होश से मिलेगा, और हमने तो ऐसा कुकर्म किया कि उस परम शिव को भी बेहोश कर दिया, उनको धतूरा चढ़ाया, उनको भांग चढ़ाई, क्या महाशिव धतूरा खाएंगे, महाशिव भांग खाएंगे, महाशिव चिलम पिएंगे, ऐसा कहीं देखा किसी ने? किसी ने तो शिव को देखा ही नहीं, जिन्होंने देखा उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि आप उनकी मानेंगे नहीं। अरे वो तो वो आशुतोष रूप है जिससे सुंदर इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं, उसको आपने धतूरों से तोल दिया क्योंकि उसकी आड़ में आप नशा करना चाहते हैं, उसकी आड़ में आप चिलम पीना चाहते हैं, उसकी आड़ में आप मदहोश होना चाहते हैं। वो शिव जिसने आपके लिए हलाहल पी लिया, एक क्षण का संकोच भी नहीं किया, ये तो वो शिव है। जैसे घर में, मैं अपने घर की बात बताता हूं, शायद आपके घर में भी ऐसा हो, मेरी माता जी अगर रात की सब्जी बच गई या रात की दो रोटियां बच गई तो अगले दिन माता जी कहती हैं कि नहीं नहीं मैं यही रोटी खा लूंगी, मुझे पहले यही खाना है। अगर वो बार बार उसको लगातार खा रही हैं तो हमने क्या धारणा बना ली कि उनको ये बासी रोटी ही पसंद है, बासी रोटी पसंद नहीं है, वो इसलिए खा रही है ताकि बच्चों को वो बासी रोटी ना खाए। और आपने क्या किया, उनके लिए बासी ही रोटियां छोड़नी शुरू कर दी, ताजी रोटियां अपने लिए, बासी रोटियां उनके लिए। ये तो उन्होंने इसलिए किया कि आपको ताजी रोटियां मिले, आपको बासी रोटियां ना मिले, ये उनका प्रेम था। वो हलाहल को धारण करना महादेव का आपके लिए प्रेम था, और आपने उस प्रेम का क्या उनको रिवर्स किया, उनको धतूरे, और धतूरे आप चढ़ाते नहीं है, धतूरे भांग गांजा चरस ये जो चिलम ये चढ़ाते नहीं है, उनकी आड़ में आप पीते हैं कि प्रभु ऐसे हैं तो मैं भी ऐसा करूंगा, प्रभु ऐसा करते हैं तो मैं भी ऐसा करूंगा। क्या कर रहे हैं आप बेहोश हो रहे हैं, बेहोश होकर उसको पाने की इच्छा रखते हैं जो महाहोश में है, जिसके आगे ब्रह्मांड का सारा होश समाप्त हो जाता है, जो होश की पराकाष्ठा है, जो एक क्षण के लिए भी अपना होश खोता नहीं कभी, जो आंख बंद करके ध्यान में बैठा हुआ है परम होश के लिए, उस परम होश को आपने बेहोश कर दिया और आप स्वतः ही बेहोश हो गए, और बेहोशी की हालत में आप उसको पाना चाहते हैं, कैसे पाएंगे? बेहोश व्यक्ति आज तक कुछ पा पाया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, कभी नहीं पाएगा, ना नानक, ना बुद्ध, ना महावीर, ना जीजस, ना मीरा, कोई नहीं, सब होश में थे, कोई बेहोश नहीं था। बेहोशी तो सपने के समान है, वहां तो कुछ भी नहीं, सपना क्या, सपना क्या चीज है सपना,
भगवान कृष्ण कहते हैं सपना क्या है, सुनिए भगवान कृष्ण कहते हैं अव्यक्तानि भूतानि, जो सपना है वो भूतकाल में अव्यक्त है। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तानि मध्यानि, यानी मध्य में ही व्यक्त होता है। अव्यक्तानि निधनानि, निधन के उपरांत फिर अव्यक्त हो जाता है। तत्र का परिवेदना, इसके लिए दुख का क्या कारण है। उन्होंने इस जीवन को ही सपना कहा। उनका जीवन ऐसा है जो पहले नहीं था, अव्यक्त था। यानी आज के 50 साल पहले मैं नहीं था, अव्यक्त था। व्यक्तान मध्यानि, मैं मध्य में व्यक्त हूं। अव्यक्तान निधनानि, निधन के उपरांत, निधन के बाद फिर अव्यक्त हो जाऊंगा, मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। इसलिए इसमें दुख का क्या कारण, इस बात का अपनी बात से क्या संबंध है। ये जो जीवन है ये सपने के समान है, पहले भी नहीं था, यानी नींद के पहले भी नहीं था, नींद के बाद भी नहीं। अगर इस जीवन में हम सपने में रह गए, जैसे सपना है, सपने में बेहोश, कुछ प्राप्त नहीं होता सपने में। सपने में अगर आपने करोड़ों का खजाना भी पा लिया तो क्या है, वो बेहोशी में है, कुछ नहीं पाया। ईश्वर को पा लिया तो भी कुछ नहीं पाया, सब खो गया तो भी कुछ नहीं खोया। होश में रहना है, बेहोश नहीं रहना है। जब होश में रहेंगे तब उसको जानेंगे, क्योंकि वो तो महाहोश में है। महाहोश को जानने के लिए होश में रहना अनिवार्य है। वो इतना महाहोश में है, इतना महाहोश में है कि उसके लिए राम कहते हैं, जिसके लिए राम ने कहा। क्या कहते हैं राम? राम कहते हैं शिव सम को रघुपत वृतधारी। शिव के समान कौन है राम का व्रत धारण करने वाले? शिव सम को रघुपत वृतधारी, बिन अज्ञ तजी सती असनारी। भगवान शिव ने अपनी पहली पत्नी को त्याग दिया था। क्यों त्यागे? क्योंकि वो भगवान राम की परीक्षा लेने पहुंच गई। जब सीता जी को रावण ले गया तो सती को लगा कि इतने बड़े राम जिनकी 24 घंटे हर पल हर क्षण शिव आराधना करते हैं, जपते हैं, वो जंगलों में घूम रहे, वो रो रहे, सीता सीता चिल्ला रहे, कैसे है ये? शिव के मना करने पर भी वो नहीं माने और राम का एग्जामिनेशन करने पहुंचे। उन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया, लेकिन राम ने तो एक क्षण में पहचान लिया उनको। और इधर राम ने पहचाना और उधर शिव भी अपने ज्ञान योग से जान गए, अरे क्या कर दिया तुमने, तुमने उसकी परीक्षा ले ली जो परीक्षा से परे। जिसकी कोई तुलना नहीं उसकी परीक्षा ले ली। शिव ने मन में विचार किया, मेरे गुरु की, मेरे प्रभु की, मेरे राम की परीक्षा ले ली, अब कुछ नहीं हो सकता। मन में विचार किया, एत न सती भेट बनाई, शिव संकल्प की न मनमानी। अब सती से इस जीवन में भेंट नहीं, शिव संकल्प की न मनमानी। मन में विचार कर लिया, वो शिव जो इतना महाहोश में है और उसको पाने वाले बेहोशी में जी रहे हैं। गृहस्थ भी, वैरागी भी,
धुएं में जी रहे हैं। छोड़िए इसको, हटाइए इसको, ज्ञान को जगाइए। ज्ञान वो जो पढ़ के नहीं आएगा, सीख के नहीं आएगा, सुनकर नहीं आएगा। ध्यान करिए, अपने मन को जगाइए, अंतर मन को जगाइए और विचार करिए क्या ज्ञान है, हम किसको पाना चाहते हैं और उस पाने में हम क्या कर रहे हैं। ईश्वर को पाना है तो उसके जैसा बनना होगा, अपने जैसा न बनाइए उसको। अपने जैसा बनाएंगे कुछ प्राप्त नहीं होगा।